देश की राजधानी दिल्ली की तरफ अब कोई आंख उठाकर भी देख नहीं पाएगा। मॉस्को और वॉशिंगटन की तरह दिल्ली पर ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच होगा जिसे तोड़ना आसान नहीं होगा। जी हां, दिल्ली को आतंकियों से बचाने के लिए भारत सरकार ने अमेरिका के नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। भारत सरकार दिल्ली को चारों तरफ से मिसाइलों के रक्षा कवच से ढकने की तैयारी में है। 2001 में संसद पर हुए हमले और 2008 में लगातार 5 बम धमाकों से दहलने के बाद राजधानी की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने दिल्ली को बेहद सुरक्षित बनाने की पहल में एक और कदम उठाया है, जिसके तहत अब राजधानी दिल्ली भी मॉस्को और वाशिंगटन की तरह जल्द ही मिसाइल रक्षा कवच से लैस होगी। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने अमेरिका से नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी नैसम्स के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है, यानी अब मिसाइलों के कवच से दिल्ली की रक्षा होगी। नैसम्स के तहत दुश्मन चाहकर भी राजधानी पर मिसाइल, ड्रोन और विमान से हमला नहीं कर पाएंगे। नैसम्स में 3 दिशाओं में काम करने वाले सेंटिनल रडार, मीडियम रेंज की मिसाइल और कमांड एंड कंट्रोल यूनिट्स शामिल होंगे, जिससे दुश्मन के हवाई हमलों को तेजी से पहचानने, उन्हें ट्रैक करने और हवा में ही मार गिराने में सफलता हासिल होगी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन और रूस की राजधानी मॉस्को के पास अभी ऐसी ही मिसाइल रक्षा प्रणाली का सुरक्षा कवच मौजूद है। भारत सरकार अब इसी कवच से दिल्ली की सुरक्षा करने की तैयारी में है। वैसे इस फैसले के साथ VIP नो फ्लाई जोन और दुश्मनों के विमानों को देखते ही मार गिराने वाले सिस्टम को भी दोबारा आकार दिए जाने पर विचार चल रहा है। DB लाइव की रिपोर्ट।